दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम एप्पल की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो दो एप्पल को हमने धोकर के अच्छे से रख लिया है, दो प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, तीन टमाटर बारीक चॉप कर लिया है, और दो हरी मिर्ची और तीन चार लहसुन की कलियों को चॉप कर लिया है बारीक, और ये नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, और एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। हमको इतने ही मसाले की जरूरत है, हम इतना ही मसाला डालेंगे। इस सब्जी में जितना कम मसाला डाला जाए उतनी ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम पहले एप्पल को काट लेते हैं। ये देखिए, दोनों एप्पलों को हमने काट लिया है, छिलका नहीं उतारा है इसका। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए, गैस पे पैन चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। ये तेल हमारा गर्म हो गया है और ये हम लहसुन और हरी मिर्च को जो हमने बारीक चॉप करके रखा था उसको डाल देंगे, और जीरा डाल देंगे। जीरा हम इंग्रीडियंट में खाना भूल गए थे, तो जीरा डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा जीरा है। ये देखिए, प्याज डाल देंगे, डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये धनिया पाउडर। हम इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि कम मसाले में ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। जितना कम मसाला रहे उतनी ही टेस्टी बनेगी। और प्याज को नहीं पीसेंगे, इसी तरह रखेंगे, क्योंकि ये प्याज जब खाने में मुंह में आती है, जब सब्जी बन जाती है तो बहुत टेस्टी लगती है। अब हम यहीं पे डाल देंगे टमाटर और नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और इन सब अच्छे से चला देंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक करके रख देंगे, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए, और गैस को मंदी कर देंगे। ये देखिए, खोल करके हम चेक करेंगे कि हमारा टमाटर गला है कि नहीं। इससे पहले हम एक बार खोल करके इसको चला चुके थे। ये देखिए, टमाटर भी हमारा गल चुका है। अब हम जो एप्पल को काट करके रखा था वो डाल देंगे इसी में, और इसको भी अच्छे से चला देंगे। अब हम पानी डालेंगे, आधी गिलास पानी और ऐड करेंगे, चला देंगे एक बार, और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, हम खोल करके चेक करेंगे, थोड़ा सा इसमें उबाल आ गया है। इसको एक बार चला देंगे और गैस को मंदी कर देंगे, थोड़ी देर इसे पकने देंगे। एप्पल तो वैसे ही पका रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा पकाना पड़ता है इसको। लेकिन जो हमने ये पानी डाला है ना ग्रेवी, वो अच्छे से पकनी चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम ढक करके इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। खोल करके हम चेक करेंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी पूरी बनकर के तैयार हो गई है। इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना है तो थोड़ा सा इसमें आप नींबू का रस मिला सकते हैं, लेकिन हम टमाटर ज़्यादा डाले हैं इसलिए नींबू का रस नहीं मिला रहे हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद, चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी सेब की सब्जी बनकर के तैयार है, आप इसे बनाइए, खाइए और खुश रहिए।